हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पावर सिस्टम टू। तो ये पावर सिस्टम टू हमारा क्लास नंबर थर्ड है ये, ठीक है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लाइक शेयर भी कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है। तो चलिए आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, फॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। तो ये फॉल्ट एनालिसिस में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स को देखा था कि फॉल्ट एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या करना है हमको, ठीक है। फॉल्ट क्या होती है, फॉल्ट का एनालिसिस क्यों करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पिछले दो क्लासेस में देख चुके हैं, ठीक है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, पर यूनिट सिस्टम, ठीक है। पर यूनिट सिस्टम का हमने बताया कि क्यों पर यूनिट सिस्टम का यूज़ किया हमने, क्यों करते हैं पर यूनिट सिस्टम का, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये फॉल्ट एनालिसिस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ और चीज़ें हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि इस फॉल्ट से आप जब सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को जब डिटेल में पढ़ेंगे, तो उनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको पर यूनिट सिस्टम को समझना पड़ेगा। और पर यूनिट सिस्टम को समझने के लिए उसमें आपको जो भी हमने क्वांटिटीज़ बताई थी, चार क्वांटिटीज़, उन क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए मेथड्स बताया हमने आपको, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और उन्हीं क्वांटिटीज़ को किस तरीके से हम न्यूमेरिकल के अप्रोच से उसको सॉल्व करेंगे, वो चीज़ हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल लाइन डाइग्राम। आपने खूब सुना होगा सिंगल लाइन डाइग्राम, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी लोग, सिंगल लाइन डाइग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात बताइए, आप सभी लोग कमेंट करिए, आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे आई थिंक, सिंगल लाइन डायग्राम क्या है बताइए। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो ये क्या कहेंगे आप सिंगल लाइन डायग्राम को, तो देखिए, समझिए सभी लोग ध्यान से, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लिया हमने क्या बना दिया, एक ये जनरेटर बना दिया, और एक इस तरीके से क्या बना दिया, एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जनरेटिंग स्टेशन पे, ठीक। और ये जो मान लेते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर आपका लगा है, ये जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, ये जनरेटिंग मान लेते हैं, और यहाँ से ये मान लेते हैं एक सर्किट ब्रेकर लगा दिया, और आगे एक बस बार लिया, बस बार से एक और हमने सर्किट ब्रेकर लगा दिया इसे, और आगे ट्रांसमिशन लाइन आपकी गई, ठीक। और ट्रांसमिशन लाइन के बाद एक और बस बार इस आपका रिसीविंग एंड पे, यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर की हेल्प से, और यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर की हेल्प से एक और ट्रांसफार्मर लगा दिया, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। और इस तरीके से हमने कोई एक लोड लगा दिया, ये क्या है, एक लोड, ठीक। तो जो रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से ये जो दिख रहा है, यही हमारा क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम है, क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम, समझ में आ गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके पावर सिस्टम में या इलेक्ट्रिकल मशीन में जनरेटिंग एंड से लेकर के आपके जितने भी लोड तक इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, उनको एक सिंगल लाइन में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, एक सिंबल के फॉर्म में, कैसे, सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और ये सिंबॉलिक फॉर्म में क्यों किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर सिस्टम आपका नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है कि ये बहुत वास्ट नेटवर्क, कैसा है, वास्ट नेटवर्क है। और वास्ट नेटवर्क होने के कारण इसमें क्या है, बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं इधर उधर। तो उस केस में क्या होगा,
और बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स हमने जैसा कि आपको बताया लगे होंगे, ठीक है। तो इसको क्या है, जब हम लोग इसको सारी चीज़ें करोगे, क्या करेंगे, जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग इन सब का किसी भी डायग्राम में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और जब ये नहीं बना सकते हैं यानी कि बहुत किचपिच हो जाएगी और उसको समझना कठिन होगा और कैलकुलेशन भी करना कठिन होगा। तो इसीलिए क्या होता है, जो भी आपका होता है, जो मेन मेन कंपोनेंट होते हैं, उनको एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। आप सिंगल लाइन डायग्राम को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको बना लीजिए, क्या करोगे आप सभी लोग, बनाइए इसको। इसको सही से लिख दिए जी, मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम दिया गया है। अब सिंगल लाइन डायग्राम में थोड़ा लिख लीजिए ये डायग्राम बना के, कि सिंगल लाइन डायग्राम होता क्या है। तो लिखिए, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बैलेंस्ड पावर सिस्टम नेटवर्क, ठीक है, लिख लीजिए पावर सिस्टम नेटवर्क। आगे लिखिए इसी में, विद द हेल्प ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन एंड देयर एसोसिएटेड कंपोनेंट एंड देयर एसोसिएटेड कंपोनेंट शोन इन फिगर। तो क्या बताया है कि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, किसी भी बैलेंस पावर सिस्टम नेटवर्क का, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनको, जो मेन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उनको एक सिंबल के फॉर्मेट में दिखा देते हैं। तो ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है, मान लिया वहाँ पे जनरेटर्स लगे होंगे, फिर यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के इस स्टेप अप किया जाता है वोल्टेज को, ठीक। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर को दिखाया गया, ये लिख लीजिए, ये क्या है, बस बार, ये क्या है, सर्किट ब्रेकर। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ, ये है ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर, ठीक। स्टेप डाउन लिख लीजिए, स्टेप डाउन डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये होता है आपका सिग्नल लाइन डायग्राम। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों के, बताइए। अब देखिए, ये जो होते हैं सर्किट ब्रेकर, अब इसको इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, जैसे ये है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को अगर हम लोग कनेक्शन के बेसिस पे ऐसे देख ले सकते हैं, जैसे
स्टार कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है, उस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल आप इतना बना लीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे वो उसको भी। चलिए बनाइए। जैसे देखिए आपका ये सिंगल डायग्राम मान लिया, इसको समझ लेते हैं। और तो ये हमने बताया कि आपका क्या है, एक बस बार लगा दिया, या यहाँ पे ट्रांसफार्मर को सिंबल दिखा दो, बस बार, सर्किट ब्रेकर, इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन है ये, और यहाँ पे ये मान लो इस तरीके से किधर था। चलिए सिम बना लेते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर सिंगल लाइन डायग्राम है, जब एनालिसिस की जाती है तो इसका हम लोग क्या बनाते हैं, एक रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, रिएक्टेंस डायग्राम क्या होता है, तो जो भी आपके इक्विपमेंट लगे होते हैं उनका क्या होता है, रिएक्टेंस के फॉर्म में एक डायग्राम बनाया जाता है। जैसे आपका ये दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, एक जनरेटर बनाएंगे, जनरेटर का सिंबल, और उसका जनरेटर का इंडक्टेंस लगा देंगे इस तरीके से। ठीक, तो ये आपका बन गया इस जनरेटर का सिंबल। ऐसे ही आप बनाओगे इसका ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, ये बस बार लगा दिया, और यहाँ से ये जनरेटर का, ये हम ट्रांसफार्मर को इस तरीके से सिंबल दिखा सकते हैं। ठीक, ये प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड, इस तरीके से मान लिया। और इसके बाद क्या होगा, हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को शो करेंगे, TL मान लेते हैं, और ये यहाँ पे एक ये ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ से आपका देखिए दूसरा ट्रांसफार्मर का सिंबल बना है, तो उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका इंडक्टेंस, ठीक, ट्रांसमिशन का, और ये प्राइमरी वाइंडिंग उसकी, और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग, इस तरीके से बना सकते हो। और यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया, तो ये मान चलिए ये हमारा क्या बन गया है, रिएक्टेंस डायग्राम, यानी कि हमने जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं सारे को हमने रिएक्टेंस के फॉर्मेट में दिखा दिया है। अब देखिए, अब जैसे कि हमने बताया कि आपका जो पर यूनिट सिस्टम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब रिएक्टेंस डायग्राम जो हम बनाते हैं किसी भी सिंगल लाइन डायग्राम का, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स आते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो और जब सिंगल लाइन डायग्राम बड़ा होगा आपका, तो बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स आगे लाते रहेंगे, तो ट्रांसफार्मर जब आने के कारण क्या होगी, हमारे जो लूप हैं ये एक लूप वन बन गया, लूप टू बन गया, और लूप थ्री, और आगे बनते जाएंगे, जिससे क्या होगा जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी इम्पीडेंस को या रिएक्टेंस को रेफर करना पड़ेगा किसी एक सर्किट में, यानी कि एक सिंगल सर्किट बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा जब ट्रांसफार्मर के जो लूप्स बनते हैं, तो उस केस में इसको रेफर कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इस डिफ़िकल्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
पर यूनिट सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था। अब देखिए, अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन का मतलब क्या है, वोल्टेज निकालना हो, करंट निकालना हो या पावर निकालनी हो, तो उस केस में आप इसको कैलकुलेट कर पाना डिफ़िकल्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग पर यूनिट सिस्टम का यूज करते हैं। पर यूनिट सिस्टम में हमने क्या बताया कि चार वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट करते हैं ऐसे, और बेस वैल्यू के फॉर्मेट में, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा एक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, वो आगे फ़िलहाल अभी आगे देखेंगे। तो आप इतना समझिए कि हम लोग पर यूनिट सिस्टम का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है उससे रिएक्टेंस डायग्राम होता है, उस रिएक्टेंस डायग्राम के जो लूप्स होते हैं उन लूप को रिड्यूस करने के लिए, उनके कैलकुलेशन को कम करने के लिए पर यूनिट सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो इसको कैलकुलेशन करना डिफ़िकल्ट होगा। चलिए बना लीजिए इसको इतना। तो ये डायग्राम क्या है, रिएक्टेंस डायग्राम लिख लीजिए, ये जो बना है रिएक्टेंस डायग्राम है। हो गया, देखिए, अब देखिए हमने आपको बताया पर यूनिट सिस्टम, यानी पर यूनिट क्या बताया था, पर यूनिट। तो पर यूनिट कैसे हम निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, यही पढ़ा है हम, ठीक है। अब अगर हम लोग चार क्वांटिटीज जो बताई हैं, एक इम्पीडेंस निकालना है, तो इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मेट क्या होगा, जैसे हम मान लेते हैं जेड पर यूनिट निकालना है हमको, जेड पर यूनिट का फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव होगा, हम जानते हैं एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ओम में होगी, अपॉन हम मान लेते हैं तो जेड बेस वैल्यू, और जेड बेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये पर यूनिट सिस्टम हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, अगर जेड बेस की वैल्यू निकालोगे, तो जेड बेस की वैल्यू हमने आपको कैलकुलेट करना बताया था किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो जेड बेस वैल्यू अगर करोगे तो कैसे होगा, बी बेस अपॉन आई बेस, यही होगा वोल्टेज एवं करंट इम्पिडेंस, ठीक। अब यहाँ से हम जानते हैं कि अगर हम बी रेटेड से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, बी रेटेड से हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बी रेटेड, तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको सही कर लीजिए, तो ये देखिए ये बनेगा बी बेस अपॉन आई बेस। तो बी बेस को कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे अगर बी बेस को लिखना चाहें तो आगे देखिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, वी रेटेड अपॉन आई रेटेड, ठीक है, आई रेटेड, और यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, वी रेटेड से मल्टीप्लाई कर दें अपॉन वी रेटेड, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, वी रेटेड अपॉन वी ए, इसको क्या लिख सकते हो, वी ए लिख सकते हो कि नहीं, वोल्टेज इंटू करंट पावर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा जेड पर यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी, जेड पर यूनिट वैल्यू निकलेगी जेड ओम पर वी रेटेड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जेड वी की वैल्यू यहाँ से रखोगे, पुट करोगे ये वाली इसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा, वी रेटेड यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना, इसमें वी रेटेड स्क्वायर इंटू बी ए ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जेड पर यूनिट, ठीक, इसको नोट करो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड ओम अपॉन के बी
स्क्वायर इंटू एम बी ए, ठीक है, ये भी पावर होगा एम बी ए। तो आप ये एक फार्मूला याद रखना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस पे आपके न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक, एक ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, और हमेशा याद रखना जो पर यूनिट वैल्यू होती है वो पर फेज वैल्यू होती है, ठीक है, क्या पर फेज वैल्यू, पर फेज वैल्यू इज डिफाइंड इन पर फेज ओनली, पर फेज ओनली। ठीक, चलो इतना नोट करो। तो ये जो कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में आपके यूज होंगे। अब देखिए, ये हमने बताया कि जेड पर यूनिट है, अगर आपका कनेक्शन स्टार में होता है, स्टार कनेक्शन के लिए, ठीक है, तो जेड पर यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक, तो चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लिया स्टार कनेक्शन आपका नेटवर्क है, तो जेड पर यूनिट इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या है, जेड ओम इंटू एम बी ए ओम के बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से जेड पर यूनिट इक्वल्स टू जेड इंटू, देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो पावर होगी, ठीक है, वो 3 MVA हो जाएगी, ये 3 फेज MVA फोन 3 हो जाएगी, क्योंकि पर फेज पे आप कर रहे हैं ना, पर फेज के हर फेज में कितनी होगी, MVA/3 हो जाएगी। ठीक, स्टार के केस में, और यहाँ पे जो कि स्टार में आप जानते हैं कि स्टार केस में वोल्टेज क्या हो जाता है, फेज वोल्टेज, पर फेज के हिसाब से देखेंगे तो फेज में क्या हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा VL√3 IL BL होता है, बी फेज होता है। ठीक, √3 VL होता है, देखिए हम जानते हैं कि स्टार के केस में आपका जो लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, √3 times V phase होता है। अब यहाँ से हमको फेज में नहीं, पर फेज के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्टार के केस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज यहाँ से क्या निकलेगा, VL/√3। ठीक, तो यहाँ पर VL/√3 लिख लेंगे, √3, और ये KV/2 square। ठीक, तो आप जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड ओम इंटू, देखिए ये √2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 3 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, जेड 3 फेज MVA ओम KVL square। ठीक, तो ये हमारा कैलकुलेट होके आता है जेड पर यूनिट कब, जब स्टार कनेक्शन आपका दिया गया हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं, तो डेल्टा में देखिए जेड पर यूनिट इक्वल टू
जेड ओम इंटू एम बी ए ओम के वी स्क्वायर, जेड ओम इंटू एम बी ए वाई थ्री ओम। देखिए ये वोल्टेज क्या होता है, वी फेज और वी एल इक्वल होता है किस केस में, डेल्टा केस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं के वी एल होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे जेड ओम इंटू एम बी ए ओम के वी एल स्क्वायर और ये वन बाई थ्री, ठीक। तो ये हो जाएगा जेड पर यूनिट। तो क्या क्या रखना है कि डेल्टा के केस में हमारा जो जेड पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो वन बाई थ्री आ जाएगा, और वहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए वहाँ पे आपका सिंपल इस तरीके से रहेगा। तो ये दो फार्मूले हैं, याद रखना सभी लोग, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। चलिए नोट करिए। अब देखिए एक फार्मूला आपको और याद रखना है, जब आपको जेड पर यूनिट निकालना होता है, जब आपको एक ओल्ड पर यूनिट दिया हो और आपको न्यू पर यूनिट निकालना होता है इम्पीडेंस का, तो उसका फार्मूला कैसे आता है। देखिए जैसे मान लिया हमने जेड पर यूनिट निकाला, क्या है जेड ओम इंटू एम बी ए ओम के वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको क्या करना है, जेड पर यूनिट निकालना है, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आपको अगर दिया गया हो जेड पर यूनिट न्यू और जेड पर यूनिट ओल्ड, और क्या दिया गया हो एम बी ए न्यू एम बी ए ओल्ड, ठीक, के वी न्यू और के वी ओल्ड, ठीक है। तो जब हम लोग निकालते हैं पर यूनिट न्यू के लिए, तो इसका एक फार्मूला ड्राइव होके आता है। उस फार्मूले को कैसे करेंगे, तो वो जो फार्मूला आता है आपका यहाँ से आता है, ठीक है। जैसे जेड पर यूनिट न्यू निकालना है, तो जेड यूनिट पर यूनिट निकालने के लिए हम जानते हैं कि जेड पर यूनिट प्रोपोर्शनल किसके है, एम बी ए के, ठीक। देखिए एम बी ए अपॉन में क्या है, और एंटी प्रोपोर्शनल किसके हैं, के वी के स्क्वायर के, यानी कि हम कह सकते हैं जेड पर यूनिट प्रोपोर्शनल एम बी ए और जेड पर यूनिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, के वी स्क्वायर के। तो अगर इसमें आप फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, देखिए जेड पर यूनिट न्यू फोन जेड पर यूनिट ओल्ड क्वेश्चन टू एम बी ए न्यू अपॉन एम बी ए ओल्ड होगा इंटू के बी बेस ऑन, ये क्या हो ओल्ड, ठीक। और ये के बी न्यू इसका होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, जेड पर यूनिट न्यू, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जेड पर यूनिट न्यू इक्वल्स टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू एम बी ए न्यू ऑन एम बी ए ओल्ड इंटू के बी बेस ऑन के वी
ये हो जाएगा ओल्ड, यहाँ पे न्यू, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा जेड पर यूनिट न्यू, ठीक। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, ये आपके न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे इसके आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।